गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम एट देवेंद्र नगर सेक्टर 3 वेयर वी हैव प्लांटेड 102 ट्रीज एट देवेंद्र नगर सेक्टर 3। यू कैन सी दिस इज द फ्लाईओवर टू फापाड़ी एंड दिस इज द फ्लाईओवर टूअर्स पंडरी। यू कैन सी हियर दिस इज द ट्री, दीज आर द ट्रीज, दीज आर द ट्रीज व्हिच वी हैव प्लांटेड इन द मंथ ऑफ मे। 5 महीने के अंदर ये पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए। दिस इज ए कदम ट्री, फास्ट ग्रोइंग, दिस इज द फास्ट ग्रोइंग ट्री। तो आप 5 महीने के अंदर ये वाला पेड़, ये एक बादाम ट्री है, आप देख सकते हैं ये 5 महीने के अंदर कितने बड़ा हो गया। मतलब ये 10 फीट 12 फीट तो हो ही गया। दीज 100 ट्रीज आर प्लांटेड ऑन माई 10th मैरिज एनिवर्सरी। सो ये 100 पेड़ से अभी 100 से तो मोर देन 95 ट्रीज आर लिव। आप देख सकते हैं कि एक बादाम ट्री को और एक कदम पेड़ को, और ये भी कदम पेड़ है, ये गुलमोहर की पेड़ है, और यहाँ पे नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेड़ का क्या मल्टीपल बेनिफिट्स है, पेड़ का क्या मल्टीपल बेनिफिट्स है। सर, टुडे वी विल डिस्कस मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। यू कैन सी 100 ट्रीज और आर लिव 100% एक्टिव। अभी हम बात करेंगे जो पेड़ लगाने का क्या बेनिफिट है। अभी हमारे साथ है मावजी पटेल सर। है सर, नमस्ते सर। नमस्ते। तो ये पर्यावरण का बहुत प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, तो इनसे बात करें। उससे पहले सर बताते हैं, जो हम पेड़ लगाते हैं, मैं इसका कुछ मल्टीपल बेनिफिट बताता हूँ, फिर सर आपसे बात करूँगा। अभी ये जो पेड़ लगाए, बादाम का पेड़ है, एक कदम का पेड़ है, इसमें क्या क्या मल्टीपल बेनिफिट होता है। पहला चीज़ ये, पहला एक बेनिफिट होता है, पहला बेनिफिट होता है कि हमने जो प्रकृति का ऋण लिया है, जो ऑक्सीजन डेली बेसिस पर हम लेते हैं, उसका ऋण चुकाना। जैसे बैंक से लोन लेते उसका रिपे करते, अगर प्रकृति का जो हमने अभी तक, जैसे अपना कि मेरे 40 साल है सर, आपका जो भी एज होगा, सर का जो भी एज होगा, हम जितना ऋण लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसको ऋण चुकाना पहला एक फायदा है। दूसरा है अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे हम बैंक में FD, म्यूचुअल फंड में FD की जमीन प्लॉट घर मकान लेते, तो ऐसे भी हम इन्वेस्टमेंट करते, तो उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने को ऑक्सीजन में इन्वेस्ट करना। ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए हमें पेड़ लगाना पड़ेगा, वो एक इन्वेस्टमेंट है। ये 2 बेनिफिट हो गया। तीसरा जो बेनिफिट है, तो हाउ टू गेट मोर ब्लेसिंग, हम ज़्यादा ज़्यादा ब्लेसिंग कैसे लेंगे, कैसे कैसे ज़्यादा ब्लेसिंग लेंगे। ब्लेसिंग लेने के हम एक कोई गरीब को हेल्प किए, कहीं नीडी पर्सन को हेल्प किए, तो एक ही पर्सन ही वहाँ पर बेनिफिट हुआ। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो उसमें हजारों लाखों लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, तो इस वो बेनिफिट आपने डायरेक्ट किया तो टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है, बट इसी को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हुए, तो ये भगवान देख रहे हैं, तो ये इससे ज़्यादा ब्लेसिंग मिल सकता है। ये तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट, आप यहाँ पे अगर पेड़ लग गया, अपना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा, काफ़ी सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा, और उसके बाद काफ़ी सारी चिड़िया वगैरह यहाँ पे बसा, यहाँ पे अपना घर बसा के बैठ पाएंगे। उसके बाद काफ़ी सारे मल्टीपल बेनिफिट है, कहीं छाए देगा, कहीं ठंडा हवा आएगा, ये हमें क्लीन ऑक्सीजन मिलेगा, ये सब बहुत सारे बेनिफिट है। और ये पेड़ तो लग गए थे, आप देख सकते हैं ये जो 100 पेड़ है ना, ये 100 पेड़ तो लग गए थे, और सारे पेड़ जिंदा सिर्फ इन लोगों की वजह से। ये सर डॉक्टर शर्मा जी है, डॉक्टर शर्मा जी है, ये सुबह डेली उठ के जो भी पेड़ है सुबह खुद ही पानी देते, और पटेल साहब वो भी सारे पानी देते। सर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है सर, हम पेड़ क्यों लगाना है और उनको क्यों टेक केयर करना सर? सबसे बड़ा तो क्या, हमें प्रकृति से जो मिलता है और समाज से जो मिलता है उसका देने का हमारा एक दायित्व है, जो हमारी मूल भावना भी है, वो भावना जीवंत रहे। और यदि प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, उस भाव से इस कार्य को निरंतर करते रहने की आवश्यकता है, तभी
संवर्धन भी होगा और वृद्धि भी होगी। एग्री सर, वो तो अच्छा बात है, बट हमें इसके लिए सर थोड़ा टाइम निकाल के मेहनत करना पड़ता है ना। हर कोई सर, आप जैसे बोल रहे हैं, हर कोई बोलते हैं, आप भी करते हैं, क्योंकि आप बोल जो बोल रहे हैं आप वही करते हैं। देखा बहुत सारे लोग हैं बोलते तो है बट करते नहीं प्रैक्टिकली, तो क्योंकि इसमें क्या थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लोग कर ही नहीं पाते। तो ये है कि आप क्या है राजेश सर, आप जो बोले वो डेली आप कर ही रहे हैं, मॉर्निंग में कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं, मैं देखा हूँ काफ़ी, आप आके पानी देते हैं, मैडम आके पानी देते हैं, काफ़ी टेक केयर करते हैं, जैसे हम पेड़ लगाने के टाइम पर मैडम आके बोले थे ए वाला पेड़ लगा दो, ए वाला पेड़ लगा दो, सर क्या है मतलब आपको कुछ जुड़ा है सर? मतलब जो सब लोग बोलते हैं सर पेड़ लगाना ये करना, बट आप क्या है कि सर करते हैं, सुबह शाम पानी देते हैं तो टेक केयर करते हैं, ये करते हैं, क्या है सर, क्या क्या आपको यहाँ पे खींच के लेकर आता है टेक केयर करने के लिए? जो मुझे समझ में आता है, बहुत सारे क्या होते हैं संस्कार जो बचपन के होते हैं, हम सकारात्मकता के साथ जिएंगे तो सकारात्मक विचार हमारे जीवन में आएंगे, और उसी विचार और आधार के आधार पर हमारा अपना स्वयं का तो जीवन सुधरेगा ही, साथ ही साथ अपने परिवार का और समाज को और प्रकृति को या अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ समर्पण का भाव हमारा जागता रहेगा। जब तक बचपन से संस्कारों से वो भाव जागृत नहीं होगा, या करना चाहिए, जो हमारा मूल भाव है, हमारी शिक्षा पद्धति, ये विषय थोड़ा दूसरा है, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि वो भाव जगाती ही नहीं है, खाली विचारों को ठूस ठूस के अंदर भरती है, मगर मनुष्य निर्माण नहीं कर पाती है जो समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। और वर्तमान में जो शिक्षा नीति में परिवर्तन आए हैं उससे अगली पीढ़ी के लिए एक पीढ़ी और लग जाएगी, वो विषय ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आपका अच्छा विचार के लिए, अच्छा भाव के लिए। हम डॉक्टर शर्मा जी से मिलेंगे। डॉक्टर शर्मा जी है, आप सर सर बैंक में थे ना पहले सर? स्टेट बैंक में रिटायर्ड हुए हैं, स्टेट बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, और सुबह शाम जितने भी पेड़ लगे हैं वो सुबह शाम पानी देते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, इनकी वजह से जो 100 पेड़ 102 पेड़ लगा हुआ इनकी वजह से जिंदा है। ये तो पेड़ लगाना मतलब पेड़ को पौधा देना, पेड़ को पालना मतलब एक बच्चे को पालने जैसा है, जैसे अपन बच्चे को बचपन में खाना सिखाते हैं पीना से, उसी अनुसार पेड़ को भी। अब पेड़ एक ऐसा चीज़ है जो सभी के लिए फायदेमंद है, तो मैं तो कहता हर प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक मोहल्ले के लोगों को इन सब चीज़ों को पढ़ के आगे आना चाहिए, है ना, क्योंकि पेड़ लगाने से सभी का फायदा है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर खास आदमी मैं लगा रहा तो मुझे ही मिलेगा। बट सर बहुत सारे लोग बोलते हैं बट कोई लगाता नहीं, आप सुबह उठते पहले सर पानी देते हैं, आप खुद ही देते हैं, दूसरे लोगों को बोलते हैं, आप पानी भी बाहर रखते हैं, एक बाल्टी पानी रखते हैं, जैसे मैं आप काफ़ी बार आपसे पानी लिया हूँ, तो शाम को भी आप देखता हूँ तो अभी भी वो टेक केयर करते हैं पेड़ को। सर मतलब इसका तो कुछ स्पेशल इंटरेस्ट होना चाहिए। स्पेशली है कि अब रिटायर होने के बाद ऐसा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो एक अपने शरीर को भी एनर्जी मिल जाती है, पेड़ों को भी मिल जाती है, और ये अपने लिए मतलब एक प्रकार से ओके मतलब ना, आपने अच्छा बोला है, रिटायरमेंट के बाद हमने हर कोई इंसान जुड़ता प्रकृति जुड़ना चाहता है, क्योंकि प्रकृति के इतना मनुष्य का इतना लगाव है, वो अपने आप झुक जाता है प्रकृति के लिए। धन्यवाद सर आपका इंस्पिरेशनल कुछ बातें के लिए, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हाँ हम फेसबुक में, यूट्यूब में, सब में आप सुन लिए डॉक्टर शर्मा जी और मावजी पटेल जी का कुछ बातें, वो सीनियर लोग हैं तो काफ़ी वो ये सारे पेड़ को मेहनत करके उन्होंने बचा है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी द और प्लांटेड ट्रीज, जो हमने 102 पेड़ लगाया था, और जो कि इसका जो सर्वाइवल रेशियो है एकदम 100% है, इसमें से कुछ 5-6 पेड़ जो कॉन्ट्रैक्टर ने वो उसको डैमेज कर लिया था, बट हमें उसको रीप्लांट कर लिया, दूसरे पेड़ लगा दिए, उसकी रिप्लेसमेंट लगा दिया, तो आप देख सकते हैं ये पेड़ कैसा है, ये सब 5 महीने का पेड़ है, यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ ट्रीज ऑफ 5 मंथ, एक कदम पेड़ कदम ट्री है जो 5 महीने के अंदर कितना ग्रो कर लिया। अगर आपका मैरिज एनिवर्सरी, आपका बर्थडे, आपका कोई फंक्शन हो गया, कुछ ओकेजन हो गया, आप कुछ पेड़ लगाएंगे, कुछ पेड़ ऐसे लगाएंगे, उसको अगर टेक केयर करेंगे, अगर ये पेड़ बड़ा हो जाता है, इससे और ज़्यादा खुशी आपको और कुछ नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी लेंगे, जमीन लेंगे, बैंक सेविंग करेंगे, उससे जितना खुशी मिले इससे और ज़्यादा खुशी मिलेगा, क्योंकि वो सब आपने अपने लिए किया है, और ये सब है आप दूसरे के लिए कर रहे, क्योंकि ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ बड़ा होगा इसका छाया आपको मिलेगा, आपने आप जानते हैं इसका छाया आपको नहीं मिलेगा, बट आप एक किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। यू कैन सी कुछ पेड़, जैसे ये पेड़ छोटा
बीच में कट गया था, दोबारा पेड़ बड़ा हो गया। ये पेड़ पहले से कट गया था क्योंकि दूसरे पेड़ की तरफ से छोटा है, इसीलिए क्यों कट गया था दोबारा बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं पेड़ कितने बड़े, कुछ पेड़ बहुत बड़ा हो गया, कुछ पेड़ अभी भी छोटा है। जितने सारे पेड़ लगाया, ये 102 पेड़ है फ्रॉम फापाड़ी टू पंडरी चौक, जो देवेंद्र नगर का चौक है वहाँ तक सारे पेड़ जिंदा है, कोई पेड़ मरा नहीं है। अगर आप टेक केयर करेंगे, ये भी देख सकते हैं गुलमोहर का पेड़ है, आप देख सकते हैं मोस्टली सब फास्ट ग्रोइंग ट्री है, जो कि कदम हो गया, बादाम हो गया, गुलमोहर हो गया, नीम हो गया, ये सब तीन टाइप का पेड़ है, कदम, बादाम, गुलमोहर और नीम, चार टाइप का पेड़ है। ये आटे टाइम ये पेड़ लगाया गया था, ये वाला, और ये तो कोई अस्वस्थ पेड़ है, और ये पेड़ लगाया गया था। आप देख सकते हैं अभी मई में लगाया गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने में कितने कितने बड़ा बड़ा पेड़ हो गए। यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। अगर आप टेक केयर करोगे, इनका केयर करोगे, आप पेड़ आपको पेड़ का आप देखोगे, आप अपने घर के आसपास जहाँ सुबह शाम आप जाना आना करते, अगर वो सब जगह में ये सब पेड़ लगाओगे, आप देख सकते हैं कदम पेड़ है कितना बड़ा हो गया, 5 महीने के अंदर कितना बड़ा हो गया। अगर आप सुबह शाम इन्हीं को देखोगे, कुछ तो आपने किया है ज़िंदगी में, आपको ऐसे फील होगा कुछ तो आपने किया है। अपने डे टू डे लाइफ में जो जो हर कोई करता, आपने उसके साथ साथ और तो कुछ किया दूसरे के लिए, यही तो है आपको शांति देगा, यही आपको पीस देगा। तो ऐसे भी इंडिया में तो पेड़ कम है, आप इंडिया में 22-28 पेड़ है पर पर्सन 28 पेड़ है, और आप वर्ल्ड एवरेज देखोगे 422 पेड़ है, इंडिया में 398 पेड़ शॉर्टेज है पर पर्सन फ्रॉम द ग्लोबल एवरेज। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी टू प्लांट एटलीस्ट 398 ट्रीज पर पर्सन टू मीट आवर ग्लोबल एवरेज ऑफ 422 ट्रीज। सो हर किसी को सुनने में बड़ा लगेगा, यार 398 पेड़ लगाना है, 400 पेड़ लगाना है, तभी जाकर हम ग्लोबल एवरेज में पहुँचेंगे। अरे लगाना ही पड़ेगा, जो हम चाहते हैं, इंडिया है सुपर पावर है, हम ग्लोबल पावर है, हम यूएसए रूसिया और चाइना के साथ कंपेयर करते, हम पेड़ में क्यों नहीं कंपेयर करेंगे। हमें पेड़ लगा के तो उतना भी अपना पॉपुलेशन थोड़ा ना बढ़ाते जाएंगे। 1900 सेंचुरी में 24 करोड़ पॉपुलेशन था, 51 में पॉपुलेशन हुआ 36 करोड़, अभी हो गया 135 करोड़। मतलब ऐसे पॉपुलेशन बढ़ाने में हम इंडिया में बड़ा आगे चलेंगे, पेड़ लगाने में नहीं जाएंगे। जो पॉपुलेशन हम बढ़ा रहे हैं उनका, जो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो उनका वहाँ उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो सोचने वाली बात है। तो सो फाइनली आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज फॉर योर ओन ऑक्सीजन कंजप्शन।